उसे। सलमान खान ने उनकी अपकमिंग फिल्म बॉडीगार्ड के एक रेन सॉन्ग का म्यूजिक खुद कंपोज किया है, जिसे फिल्म के एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाएगा। वैसे इस सॉन्ग को कंपोज करने में हिमेश रेशमिया ने सलमान की मदद की। ऋतिक रोशन, जो कि करण जौहर की अग्निपथ की रीमेक में नजर आ रहे हैं, अब दोबारा करण की फिल्म में काम करेंगे, जो कि एक थ्रिलर होगी, जिसकी स्क्रिप्ट पर फिलहाल काम किया जा रहा है। अभिषेक बच्चन रिसेंटली अनुपम खेर की एक्टिंग इंस्टीट्यूट में गेस्ट लेक्चरर बनने नजर आए, तो वहीं उनके डैड अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म आरक्षण को प्रमोट करने के लिए मुंबई के एक इंस्टीट्यूट में बने द गेस्ट प्रिंसिपल। रावण के प्रोड्यूसर यानी शाहरुख खान ये पूरी एहतियात बरत रहे हैं कि किसी भी तरह से फिल्म के विलन अर्जुन रामपाल का लुक रिवील ना हो जाए, इसीलिए शाहरुख ने पोस्ट प्रोडक्शन टीम से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया है। वैसे शाहरुख अर्जुन का ये लुक फिल्म की रिलीज से 15 दिन पहले रिवील करेंगे। राज 2 और मर्डर 2 को मिली सक्सेस के बाद भट्ट सीक्वल से जैसे ऑब्सेस्ड हो गए हैं, इसीलिए अब महेश भट्ट ने इमरान हाशमी स्टारर इन्फॉर्मर का नाम बदलकर जन्नत 2 रख दिया है और इस फिल्म को जन्नत का सीक्वल कहा जा रहा है। आर माधवन इन दिनों काफी एक्साइटेड है, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म में वो बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं, और माधवन, जो कि जिमिंग से दूर रहते थे, अब शायद बिप से फिटनेस टिप्स लेकर सिक्स पैक एब्स बनाए।